नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडा झोल, यानी कि आलू और अंडे की कढ़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। इससे पहले आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। यहाँ लिया है हमने 8 से 10 उबले हुए अंडे, इसका हमने छिलका उतार लिया है, इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ लिया है हमने उबले हुए आलू, इसे हमने पीसेज में कट करके ही उबाला था ताकि ये आसानी से गल जाए, और इसे हम तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे। तो इसे हम अभी अंडे में ही डाल देते हैं। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला देते हैं ताकि ये नमक, मिर्च और हल्दी जो है अच्छे से इन सारे अंडों और आलूओं के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसे मिलाने के बाद हम इसे तुरंत ही फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए, हमने इसमें एक लंबा सा कट लगा दिया है, इसको मैं आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। इसमें डालने के लिए हमने लिया है यहाँ पर कटे हुए प्याज, ये 3 छोटे छोटे साइज के प्याज हैं जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। यहाँ लिया है हमने हरी मिर्च है, ये पक चुकी है इसलिए लाल हो गई है। यहाँ लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ डालेंगे। यहाँ लिया है हमने अदरक, लहसुन और खड़े गर्म मसाले का पेस्ट है, इसे बहुत ही अच्छी अंडे में खुशबू आती है, तो इसको हमने दरदरा पीस लिया है। यहाँ लिया हमने फूरन, फूरन में सिर्फ तेज़पत्ता और जीरा लिया है, बाकी और कुछ हम फूरन में नहीं डालेंगे। यहाँ लिया है हमने कुछ मसाले, जिसमें है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी है यानी 1/2 चम्मच है, और थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर है, और ये थोड़ा सा मीट मसाला है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हो तो आप यहाँ ले सकते हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ रखा है हमने एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे हम छलनी की सहायता से थोड़ा सा फैला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडों को, इसे एक एक करके डालेंगे, सावधानी से डालेंगे। सारे अंडों को डालने के बाद हम इसे एक तरफ से 1-1.5 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे, इसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। यहाँ देखिए 1 मिनट हो चुका है, इसे हम पलट देते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है इसमें। इसी तरह इसे उलटते पलटते हम इसमें गोल्डन कलर आने देंगे। यहाँ देखिए एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में हम डाल देते हैं सारे आलुओं को, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि उसमें भी एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। यहाँ देखिए आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में हम डाल देते हैं फूरन, फूरन को चटकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, साथ साथ डाल देंगे कटे हुए प्याज और मिर्च। इन सभी को डालने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका भी कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक और गरम मसाले का पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीब कसूरी मेथी। इन दोनों को डालने के बाद इसे भी करीब 1/2-1 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ फ्लेम जो है हाई है अभी। यहाँ देखिए ये भी भून गया है, इसमें हम डाल देते हैं सारे मसालों को। मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा मिलाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना, और फ्लेम को हम यहाँ लो टू मीडियम कर देंगे, और मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हम करीब 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए।
यहाँ देखिए मसाले में अच्छा सा कलर भी आ गया है, मसाला भून भी चुका है, मसाले से तेल अलग हो रहा है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं पानी। पानी आप अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इसे हम थोड़ा सा चला देते हैं। उबाल आने के बाद तुरंत ही आप इसमें अंडों को ना डालें, एक दो मिनट इसे और उबलने दें, उसके बाद ही इसमें अंडों को डालें। तो यहाँ हमने अंडे और आलू को डाल दिया है एक ही साथ और इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे और यहाँ हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम ढककर करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ करीब 6 से 7 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। देखिए ढक्कन हटाने के बाद इसका पानी जो है थोड़ा सा कम हो चुका है और इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है ताकि अंडे और आलू जो है अच्छे से उबले हुए हैं। इसे हम एक बार मिला देते हैं और यहाँ पे हम डाल लेते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन दोनों को मिलाने के बाद हम यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए, हम झोल बना रहे हैं, झोल मतलब ग्रेवी ही होता है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद ये और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो इसे हम ढककर करीब 2-3 मिनट तक के लिए ही छोड़ देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 3 मिनट हुआ है और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, और ये और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल लेते हैं धनिया पत्ता, इसे गार्निश कर देते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ही मेरे तरीके से एक बार बनाइए, खाइए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।